जहाँ सर्दियाँ आती हैं वहाँ हमें लगता है हम कुछ गरम गरम लें, बट हमेशा चाय और कॉफ़ी तो ली नहीं जा सकती ना, तो फिर आता है सूप लें। और सर्दियों में इतने तरह के सब्जियाँ और फल आते हैं, तो हम इन सब्जियों का फ़ायदा उठाएं और घर में ही ताज़े सूप बनाएं। जैसे गाजर टमाटर का सूप बना सकते हैं, पालक टमाटर का बना सकते हैं, मशरूम का बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल का सूप बना सकते हैं। और आप ये टमाटर का सूप है, प्याज और लहसुन का सूप है, और ये दाल टमाटर का सूप है, बना सकते हैं। इसको लेने से क्या होता है, एक तो शरीर में गर्मी होती है, गर्मी हमें लगती है, और साथ में पानी की कमी को भी दूर करता है, और हमारी एक डाइट, हमें सारे मल्टी विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमें सर्दियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में गर्मी रहती है, और जो हमारे शरीर के अंदर की सारी चीज़ें हैं जैसे किडनी फंक्शन है, लिवर फंक्शन है, स्टमक फंक्शन है, हार्ट फंक्शन है, इसमें भी मदद करती है। तो सर्दियों में आप ताज़े सब्जियों का सूप बना के इसका आनंद उठाइए, और अपने सेहत का ध्यान रखिए।